फ्रेंड्स, मैं आपका सुरजीत सिंह। आपको ये कोलिस जो प्लांट है उसके बारे बताते हैं। मेरे पास इसकी दो वैरायटी है, एक बिल्कुल ग्रीन, इसे ग्रीन कोलिस भी बोलते हैं, और एक रेड रेड कोलिस। तो दोस्तों, ये जो है इसको लगाने का तरीका, पानी कितना चाहिए और इसको क्या क्या और खाद वगैरह जो है, फर्टिलाइज़र कौन सी चाहिए, उसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, ये देखो बिल्कुल रेड प्लांट है। तो हमने इतनी छोटी सी एक शाखा काट के इसकी लगाई थी, ऐसे ही ये ग्रीन प्लांट की हमने एक शाखा लगाई थी। अब कितना बड़ा प्लांट हो गया। तो दोस्तों, ये जो है ये ऑल वेदर जो प्लांट है, किसी वेदर में भी, लेकिन जो है मिड ऑफ समर ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो मिड ऑफ समर इसके लिए बहुत अच्छा है। ये इंडोर आउटडोर दोनों है, लेकिन लार्जली इसके आउटडोर प्लांट है, और किसी भी मौसम में कहीं भी किसी तरह की सोल में लग सकता है। तो हमने देखो छोटे से पॉट में लगाया, तो जैसे मैं छोटी सी एक सी शाखा लगाई थी, तो इसमें हमने गार्डन सोल सिंपल और थोड़ा सा मनूर काउडंग मिक्स किया। ऐसे ही इसमें भी हमने, ये छोटा प्लांट है 10 इंच का, तो हमने गार्डन सोल और ये मिलाई, और ये कितना अच्छा प्लांट जो है ये हो गया। तो दोस्तों, इसको पानी जो है समय समय से इसको पानी देते रहना चाहिए। इसको बहुत ड्राई भी जो है सोल ज़्यादा पसंद नहीं है, हो जाता है उसमें, लेकिन इसको पानी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, और लेकर खड़ा नहीं होना चाहिए, खड़ा हो गया तो सूख जाएगा। तो ये दोस्तों पानी का बता दिया, लगाने का तरीका और सोल का बता दिया। ये जो प्लांट है इतने बड़े में ही ये 1 फुट से लेकर 4 फुट तक बढ़ जाता है, 1 फुट से 4 तक बढ़ जाता है। ये देखो हमारा 1 फुट से ज़्यादा हो गया, और एक बार और, जैसे दूसरे प्लांट को हमने बुशी करने के लिए पिंच करते हैं, इसको पिंच की जरूरत नहीं है, इसकी शाखें खुद हू निकलती जाती है और ये फैलता जाता है। और कुछ हालात में तो ये 2 से 3 फुट इसकी जो है वाइड ऐसे भी हो जाता है, और 1 से लेकर 4 फुट तक ये ऊंचा हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो है फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी जो है उसने इसकी खोज की थी, और इसकी जो है 100 से ज़्यादा जो वैरायटी, इससे भी ज़्यादा होगी, लेकिन 100 से ज़्यादा वैरायटी जो है इसकी प्रचलित है। तरह तरह के इसके कलर हैं, तो इसके किसी के आगे सन लग जाता है, किसी के ग्रीन लग जाता है, रेड लग जाता है, कई तरह के इसके जो है वो इसके और नाम हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत आपके गार्डन में, हमने ये दो वैरायटी, एक और ये दो लाई है, आप 5-6 वैरायटी लगाएंगे, और इसको जो फूल है इसके पत्ते ही एक फूल है जो इतने कलरफुल, आपके जो जो रियर कोर्ट यार्ड है, फ्रंट कोर्ट यार्ड है, बालकोनी है, उसको बहुत डेकोरेट करते हैं, और इसमें बहुत कम मेहनत लगती है, और ये जो है प्लांट बहुत कम मरता है। तो दोस्तों, इसको जैसे लगाने का तरीका, पानी का समय बता दिया, और ये आप अपने घर में बड़ी इजी सी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है आपने मेरी जो वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स दो, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छी अच्छी जो मेरी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद। आप यहाँ रहे, सुखी रहे, आबाद रहे।